हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो लखमीर सिंह बुक एस चंद लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर जो बुक है केमिस्ट्री की क्लास 9th की उसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास बुक का ही, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज़ को मैटर बोलने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। तो वो दो कंडीशंस होती हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ को मैटर बोलना है तो उसमें कुछ मास होना चाहिए एंड उसको कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अगर वो ये दोनों ये जो दो कंडीशंस हैं कि उसके पास कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, अगर ये दोनों वो फॉलो कर रहा है सब्सटेंस तो हम उसे मैटर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। मतलब मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंटिन्यूस मोशन होता है, इसका बेस्ट एविडेंस कौन प्रोवाइड करता है? तो इसका बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है हमारे पास डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। यही दोनों प्रोसेस हैं जो हमें बताते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड क्वेश्चन, विच सिंगल टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर केप्ट इन अ बीकर ऑन इट्स ओन। मतलब एक बीकर है वाटर का, हम उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं तो जो कॉपर सल्फेट है वो अपने आप मिक्स हो जाता है वाटर में। तो इस प्रोसेस को हम किस टर्म से डिफाइन कर सकते हैं? बाय द टर्म ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होती है, डिफ्यूजन होती है बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड वाटर, जिससे कॉपर सल्फेट बिना स्टर करे या बिना मिक्स करे ही वाटर में ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं। फोर्थ, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देर इज़ नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। मतलब मान लो हमारे पास 100 ग्राम वाटर है और हम उसमें 25 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसकी वॉल्यूम भी 100 ग्राम ही होगी। तो इसका क्या रीज़न है? मतलब 100 ग्राम नहीं होगी, हम उसे सही यूनिट में ले लेंगे। मान लो मतलब 100 है, 100 में हमने 25 ऐड किया तो फिर भी उसकी वॉल्यूम 100 ही रही, तो इसका क्या रीज़न है? सो इसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। सो यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक या विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, जो चीज़ हमें ये क्वेश्चन से मतलब इस ऑब्जर्वेशन से पता चल रही है। फिफ्थ, इवन टू और थ्री क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन इम्पार्ट कलर टू अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो देखो, इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ दो या तीन क्रिस्टल भी डालते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, तो वो पूरे वाटर को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में भी अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें भी मिक्स हो सकता है, उसको भी कलर इम्पार्ट कर सकता है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी शो हो रही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत छोटे होते हैं, एक तो बहुत छोटे छोटे होते हैं तभी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो छोटे से क्रिस्टल्स भी बहुत बड़ी वॉल्यूम ऑफ वाटर में हर जगह मिक्स हो सकते हैं। सो जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो इलस्ट्रेट हुई है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर प्रेजेंट इन मिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When an incense stick is lighted in one corner of a room, its fragrance spread in the whole room. मतलब अगर हम एक कोने में अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। इससे हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में, और यही हमें मतलब डिफ्यूजन ने ये बताया था। एंड यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रही है। जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा है वो एयर के साथ डिफ्यूज होके अपनी खुशबू पूरे रूम में फैला रहा है। लास्ट सेवेंथ क्वेश्चन, कि अ पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय हैमरिंग बट अ पीस ऑफ आयरन कैन नॉट, विच कैरेक्टरिस्टिक इज शोन बाय दिस। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चॉक में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है जिसलिए वो ईजिली ब्रेक हो जाता है हैमर से। आयरन में ये पार्टिकल ये फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ब्रेक नहीं हो पाता हैमर से।
ये प्रॉपर्टी यही शो कर रही है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ के वीकली अट्रैक्ट करते हैं, कुछ के स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। देन 8th, 9th, 10th, 11th, 12th से लेके मतलब 17th तक नेक्स्ट पार्ट है ये। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल्स मेकअप दैट विच मेकअप मैटर। तो साइंटिफिक नाम क्या होता है उनका जो मैटर को बनाते हैं? सो इट्स वेरी सिंपल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब हम तो कह रहे हैं कि मैटर को कौन बनाता है? पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मतलब उन पार्टिकल्स का साइंटिफिक नाम क्या है? तो उन पार्टिकल्स का साइंटिफिक नाम क्या है हमारे पास? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। 9th क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स इनटू अ बीकर ऑफ वाटर। ये जैसे बीकर ऑफ वाटर है, एक दिन में इतना है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, इससे इसमें चेंज, इससे इसमें चेंज, तो ये क्या हो रहा है? दिस इज़ नथिंग अदर देन डिफ्यूजन। जो हमने कलर इम्पार्ट किया, ये क्या डाला है यहाँ पे हमने, जो इंक डाली है वाटर में, उसके पार्टिकल्स पूरे वाटर में डिफ्यूज हो रहे हैं। सो इट इज़ डिफ्यूजन। फर्स्ट का, 8th का था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, 9th का है डिफ्यूजन। देन 10th, व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी होती है? सॉलिड। एंड सेकेंड पार्ट था फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, फ्लूइड फॉर्म होती है लिक्विड एंड गैस, फ्लूइड फॉर्म। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, आउट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, विच वन हैज़ मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सो मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किस में होती है? गैसेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैक्सिमम मूवमेंट। सेकंड, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में होते हैं? सॉलिड में। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड लास्ट, मिनिमम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अगेन सॉलिड्स, जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में कम से कम गैप होता है। सो ए गैसेस, बी सॉलिड्स एंड सी ऑल्सो सॉलिड्स। 12th, अ सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर डेफिनेट शेप नहीं है, तो वो होता है लिक्विड, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैस में दोनों में से कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 12 का, लिक्विड। देन 13th क्वेश्चन, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। तो जो गैस होती है वही ऐसा सब्सटेंस, वही ऐसी स्टेट है मैटर की जो हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड बहुत मुश्किल से कंप्रेस होते हैं, सॉलिड तो होते ही नहीं है, तो लिक्विड भी नेग्लिजिबल है एकदम। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है गैसेस। 14th, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट शेप एज वेल एज अ डेफिनेट वॉल्यूम, विच फिजिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्टेटमेंट। तो अभी मैंने बताया सिर्फ सॉलिड ही ऐसा एक मैटर है जिसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सॉलिड। 15th, अ सब्सटेंस हैज नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ये कौन सा है? गैस। 16th, नेम टू गैसेज विच आर सप्लाइड इन कंप्रेस्ड फॉर्म इन होम्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ऐसी दो गैसेज जो कंप्रेस्ड फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में बेसिकली अप्लाई की जाती है होम्स और हॉस्पिटल्स में, कंप्रेस्ड फॉर्म मतलब लिक्विफाइड फॉर्म, ठीक है। सो ये होती है हमारे पास LPG, हम लिख सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाम में ही आ रहा है लिक्विफाइड, एंड ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन होती है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में सप्लाई की जाती है वो भी कंप्रेस करके सप्लाई की जाती है। सो 16th का आंसर हम लिख सकते हैं LPG एंड ऑक्सीजन गैस। 17th, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, LPG एंड CNG। तो LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट 18th टू 24th क्वेश्चन, विच इज़ द एंड ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, विच ऑफ द टू डिफ्यूज फास्टर, लिक्विड और अ गैस, कौन ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करता है? सिंपल आंसर, गैस डिफ्यूज फास्टर, बिकॉज गैस की जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी तो हाई मूवमेंट, ठीक है। ये सब मैंने बताया था आपको चैप्टर में, आपको अगर याद नहीं है तो आप पहले वो भी जाके देख सकते हैं। 19th, विच ऑफ द टू डिफ्यूज स्लोअर, ब्रोमीन वेपर इंटू एयर और कॉपर सल्फेट इंटू वाटर। स्लोअर कौन डिफ्यूज़ करेगा? स्लोअर डिफ्यूज़ करेगा वाटर में, क्योंकि वाटर इज़ अ लिक्विड। अभी हमने पढ़ा लिक्विड कम जल, मतलब लिक्विड जो है उनमें डिफ्यूजन स्लो है एज़ कम्पेयर टू गैस। ब्रोमीन इंटू एयर इज़ अ गैस, ब्रोमीन वेपर इंटू एयर इज़ अ गैस, बट कॉपर सल्फेट इंटू वाटर इज़ लिक्विड। सो गैसेज में डिफ्यूजन फास्टर होगा, हमसे पूछा स्लोअर किस में होगा? कॉपर सल्फेट इंटू वाटर में स्लोअर होगा। 20th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इन अ गैस जार बट द कलरलेस एयर मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू द ब्रोमीन वाटर। मतलब ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स तो एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं
पर एयर के मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन में डिफ्यूज नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज जब भी डिफ्यूजन होती है तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर हम कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी कॉपर सल्फेट के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं। सो इट इज़ आइदर वे, हम दोनों बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे बोला कि सिर्फ ब्रोमीन के एयर में हो रहे हैं, एयर के ब्रोमीन में नहीं हो रहे, जो स्टेटमेंट फॉल्स है। 21st क्वेश्चन, अ बॉटल ऑफ परफ्यूम वॉज ओपन्ड इन अ रूम एंड इट स्मेल ऑफ इट्स वेपर स्प्रेड इन द एंटायर रूम। इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता चल रही है? तो इससे हमें पता चल रहा है डिफ्यूजन, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ। अब उन पार्टिकल्स में खुशबू है तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ होकर जिस भी कोने में जाएंगे वहाँ पर अपनी स्मेल छोड़ेंगे। सो दैट इज़ डिफ्यूजन। 22, इफ़ अ फिश इज़ बींग फ्राइड इन द नेबरिंग होम वी कैन स्मेल इट सिटिंग इन आर ओन होम। मतलब अगर साइड वाले घर में मछली बन रही है तो हमें अपने घर में बैठे बैठे उसकी खुशबू आ जाएगी। इसमें क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस जो ऊपर था, डिफ्यूजन। सो आंसर 22 इज ऑल्सो डिफ्यूजन। ये नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज विच टेल अस दैट देयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। अनदर वन, यहाँ पे भी हम डिफ्यूजन लिख सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है क्वेश्चन की कौन से वो हैं, मतलब क्या प्रोसेस हैं जो हमें बताते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन लिख सकते हैं। 24th, फिल इन द ब्लैंक्स, द बेस्ट एविडेंस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ, अगेन सेम आंसर, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड्स अक्रॉस अ रूम ड्यू टू, अगेन डिफ्यूजन इसका आंसर है, डिफ्यूजन की वजह से ही स्मेल स्प्रेड होती है। सी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफ्यूजन देन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर डैश देन दोज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड सब्सटेंस का वो डैश होता है गैसियस स्टेट से, तो दैट इज ज़्यादा होता है, सो मच मोर, या आप ग्रेटर भी लिख सकते हैं। लास्ट, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। लेस ऑर्डर किस में होता है? देखो सॉलिड में तो कंप्लीट प्रॉपर ऑर्डर होता है, लेस ऑर्डर होता है लिक्विड में एंड नो ऑर्डर होता है गैस में। सो लो ऑर्डर इन लिक्विड एंड नो ऑर्डर इन गैसियस स्टेट। सो इसी के साथ हमने लखमीर सिंह के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।